हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल मम इज लाइफ माय वे। कैसे हैं आप सब लोग? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन गाइस। माय नेम इज आकांक्षा एंड टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द होम डेकोर हॉल। तो इस वाले हॉल में मैंने बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की है, लाइक पूजा आइटम्स होने दो, होम डेकोर होने दो, या फिर कुछ थोड़ा सा फर्नीचर जो मैंने लिया है वो इंक्लूड किया है मैंने इसमें। तो जानने के लिए कीप ऑन वॉचिंग। तो चालू करते हैं ये वाला हॉल विथ द पूजा आइटम्स विच आई बॉट रिसेंटली। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी द वेरी ट्रेंडिंग द धूपदानी। तो इस तरीके की ये धूपदानी है, इस तरीके से इसका ढक्कन है। ये नवरात्रि में मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ की है गाइस, लाइक पूरे 9 के 9 दिन मैंने इसमें धूप जलाया है और इतना एस्थेटिक लगता है, इतना काम की चीज़ है ना ये, दिखने में इतनी सुंदर लगती है एंड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। पूरे 9 दिन मैंने इसमें जो है धूप जलाया है, इस तरीके से आप देख सकते हो, उसको मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। एंड देन यू हैव टू प्लेस द धूप इन साइड ऑफ दिस एंड वो थोड़ा सा जलने के बाद ना यू हैव टू पुट दिस लिड ओवर इट। इसमें से फिर ऐसे धुआं निकलता है। मैं यहाँ पे, मेरे पास बहुत सारे वीडियोस है इस पर्टिकुलर इसके, तो मैं यहाँ पे शायद डाल दूँ। एंड ये आता है ये वुडन वाले हैंडल के साथ, ये भी बहुत ज़्यादा स्टर्डी है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, हेवी क्वालिटी का है। अगर आप किसी धूपधानी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ा सा हैवी मटेरियल में इन्वेस्ट कीजिएगा, ना कि ऐसे फ्लिमजी मटेरियल में इन्वेस्ट करना, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा टिकेगा आपके आपके घर में और आप उसको बहुत ज़्यादा इससे आप यूज़ निकाल पाएंगे। इसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे ध्यान दें कि बहुत ज़्यादा स्टर्डी वाला लें, ना कि लेने के लिए लेना मत। ये भी मुझे बहुत ज़्यादा महंगा पड़ा था, आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस राइट नाउ, क्योंकि ये मैंने लोकली ख़रीदा था, पर आप आराम से इसको मीशो या फिर अमेजोन से आराम से इसको मंगा सकते हैं। बहुत अच्छी डिज़ाइन है, बहुत अच्छा एस्थेटिक लुक है, कार्विंग्स है इसके ऊपर, तो बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देता है ये। मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ, बट बहुत ज़्यादा अच्छी लुक देता है तो फॉर टाइम भी है हेयर। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले दिए के पास। ये भी दिया बहुत ज़्यादा फैंसी है, आजकल मैंने इसको बहुत देखा है, बहुत ज़्यादा चल रहा है, सो थॉट ऑफ इंक्लूडिंग इट इन दिस हॉल। तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ दिया, ये बहुत ही छोटा सा दिया है, इसके अंदर आप विक डालेंगे। इसके बाद इसके ऊपर जो है इस तरीके का ये ग्लास आता है एंड देन ऑन दिस ग्लास कम्स दिस टाइप ऑफ टॉप विद द वुडन हैंडल करने के लिए, क्योंकि जो अगर ये मेटल का दे देंगे ना तो ये गर्म हो जाता है, तो इसलिए इन्होंने जो है वुडन का दिया है, ताकि आप कभी भी अगर आपको तेल चेक करना है या फिर थोड़ा सा विक को थोड़ा सा ऊपर लाना है तो फिर आप इसको आराम से पकड़ के इस तरीके से साइड में ला सकते हैं, तो इसीलिए ये वुडन का दिया हुआ। ये आप ज़रूर ध्यान रखना अगर आप दिया लेने जा रहे हैं तो इस तरीके से है। ये दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है, दिवाली में आप इसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा एस्थेटिक लुक आएगा। इस तरीके से ये डायमंड अच्छे से ग्लो करेंगे, जब अंदर इसके दिया लगेगा तो बहुत अच्छा लुक आता है इसको। इसको भी मैंने बहुत यूज़ किया है, अगेन नवरात्रि में बहुत सारे फेस्टिवल्स में मैंने इसको यूज़ किया है। फ्रेंकली अगेन आई डोंट रिमेम्बर द प्राइस फॉर दिस, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द प्राइस। हाँ, लेकिन अमेजोन और मीशो पे आपको अगेन बहुत सारे ऐसे दिए मिल जाएंगे। बट द थर्ड एंड द लास्ट थिंग फ्रॉम पूजा इज दिस दिया विच आई बॉट रिसेंटली इन नवरात्रि। दिस कॉस्टेड में ₹500, वो मुझे 550 बोल रहे थे लोकल वाले शॉप में, बट आई बार्गेन इट टू ₹500। तो इस तरीके से ये दिया है, इसके ऊपर ये टॉपर है, इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है ये ओम लिखा हुआ है। इसमें जो है मुझे क्या प्रॉब्लम आई पता है, ये जो ओम है ना ये भी मेटल का है, तो जो प्रॉब्लम मुझे आई वो ये है कि जब भी मैं दिया चेक करने जाती थी कि अंदर कितना ऑयल है या फिर सब चेक करना पड़ता है सो जब भी मैं ये उठाने जाती थी ना ये मेरे हाथ में गर्म लगता था, तो ये मुझे ध्यान नहीं आया लेते वक्त। आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आप दिया लेने जाओ मेक श्योर दैट दिस इज नॉट मेड अप ऑफ मेटल, इट शुड बी वुड, जैसे कि उस वाले दिए का था। एंड इस तरीके से ये अंदर दिया है, ये आराम से 24 घंटे के लिए चल जाता है, यहाँ तक पूरा तेल में इसमें भरती थी इतना तेल, एंड ये आराम से
24 घंटे के लिए चल जाता है दिया, विच इज वेरी नाइस. एक बार दिया लगाने के बाद आप 24 घंटे तक भूल सकते हो कि मतलब बार बार चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटा दिया अगर हम लगाते ना तो हमें बार बार चेक करना पड़ता है ना, 2 घंटे में 3 घंटे में. तो मैंने इसीलिए ये ज्यादा क्वांटिटी वाला दिया लिया था, ताकि मुझे बार बार चेक नहीं करना पड़े. तो इसके लिए मैं सुबह एक बार इसको रिफिल कर देती थी, तो दूसरे दिन सुबह ही मैं इसको वापस तेल डालने के लिए खोलती थी. तो दिस इज द रीजन आई बॉट दिस दिया. दिस कॉस्टेड मी ₹500. आई रिमेम्बर द प्राइस बिकॉज आई बॉट इट लाइक रिसेंटली, इसलिए मुझे इसका प्राइस याद. ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट. ये था मेरा पूजा वाला हॉल, अब चलते हैं होम डेकोर की तरफ. तो सबसे पहले मैं आपको ये पाइन एप्पल दिखाना चाहूंगी. दिस इज द पाइन एप्पल विच आई बॉट फ्रॉम होम सेंटर. इट इज अ काइंड ऑफ जार, इट इज अ ग्लास जार. इस तरीके से ये है. इसके साथ मुझे 2 मेटल के स्ट्रॉज भी मिले हैं, जिसको आप सिपर या फिर फैंसी ड्रिंक्स बना के सर्व कर सकते हैं दिवाली पे. इट लुक्स सो नाइस एंड सो एस्थेटिक. ये रोज गोल्ड के कलर में है और अंदर इस तरीके से ग्लास फिनिश है. बाहर से इसको जो है रोज गोल्ड फिनिश है. ये मैंने होम सेंटर से खरीदा था जब इनका सेल चल रहा था. इसकी MRP तो मुझे याद नहीं है, बट आई बॉट इट फॉर अराउंड 350 में कुछ पड़ा था. मुझे 2 पेयर के ग्लासेस, जिसमें से एक में यहाँ पे. माई गॉड, व्हाट इज रॉन्ग विद मी टुडे. इसमें से एक मैंने यहाँ पे सजा के रखा है. आई थैंक गॉड ये टूटा नहीं बिल्कुल. आई शुड होल्ड इट लाइक दिस सो दैट इट वोंट फॉल. तो एक वाला मैंने इसे यहाँ पे सजा के रखा है और एक जो है मैं नॉर्मल इसको यूज कर रही हूँ ड्रिंक्स एंड के लिए. इसके साथ मुझे 2 मेटल के स्ट्रॉस भी आए थे. दैट इज द मेन थिंग कि आपको ये लोग मेटल के स्ट्रॉस भी दे रहे हैं. देखने में बहुत ही एस्थेटिक लगता है क्योंकि रोज गोल्ड है. गोल्डन कलर भी था इसमें, बट वो ज्यादा बहुत ज्यादा गोल्डन ही लग रहा था. तो आई प्रिफर्ड रोज गोल्ड, ताकि थोड़ा सा फिनिश सटल लगे, इसीलिए मैंने जो है रोज गोल्ड में खरीदा था. आई एम गोना कीप इट बैक वेयर इट वाज बिकॉज क्योंकि ग्लास का है तो ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बस और कुछ नहीं. नेक्स्ट बढ़ते हैं मेरी होम डेकोर में इस फ्रेम्स की तरफ. ये वुडन फ्रेम्स है मैंने मंगाई थी पीछे की तरफ से. ये कुछ ऐसी लगती है. इसको आपको निकाल के ये 4 लॉक्स जो है इसको आपको निकाल के आपकी फोटो अंदर में डालनी है. दिस इज काइंड ऑफ वुडन फिनिश. ये वुड ही है, अच्छी क्वालिटी का वुड है. मैं इसको अभी आराम से आई गेस 7-8 महीने से तो आराम से यूज कर रही हूँ. इट कम्स इन 3 लेयर्स एंड फिर नीचे की तरफ इसको इसे ये दिया हुआ है. रोप से टाई किया हुआ लीफ है जो कि बहुत अच्छा लगता है. एंड दिस इज द 3 टायर. इसको जो है मैंने सेट ऑफ 2 में मंगाया था. सो दिस इज द सेकेंड सेट. इसको मैं इस तरीके से वॉल पे हैंग करती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है. इसमें मैंने सारी रिया की फोटोज लगाई है. सारी की सारी रिया की फोटोज हैं. बहुत अच्छा है, बहुत स्टर्डी है. बहुत अच्छे से आप आराम से निकाल के इसको फोटोज लगा सकते हैं, विच इज नॉट एट ऑल हैसल मुझे लगता है. क्योंकि जो वॉल फ्रेम्स होती है ना, उसमें थोड़ा सा आपको इसकी मदद लेनी पड़ती है, और जैसे कारपेंटर की मदद लेनी पड़ती है. बट इन दिस केसेस इट इज सो इजी टू चेंज द फोटोज ऑल्सो. बहुत अच्छे से आप आराम से आप कर सकते हैं. उसके बाद जो मैंने मंगाया है फ्रॉम Amazon, हाँ ये फ्रेम्स भी Amazon की है. ये मुझे फ्रेम्स पड़ी थी अराउंड 250-300 की. इट वॉज बॉट अराउंड 6-7 मंथ्स, 8 महीने पहले मैंने इसको लिया था. तो तब मुझे ये कॉस्ट करी थी 250-300 की. अब मुझे इसकी कॉस्ट नहीं पता है. बट दिस इज द थिंग विच आई बॉट रिसेंटली. दिस इज द कारपेट. इसका जो सबसे अच्छा जो चीज़ है जो मुझे लगी वो है कि इसके जो नीचे है ना, मतलब जो एंड साइड है ना इसका, इस तरीके से रबर लगा हुआ है. तो जब आप इसको बिछाते हैं तो ये स्किड नहीं करता है. चाहे फिर आपकी फ्लोरिंग किसी भी स्टाइल की हो, ये बिल्कुल भी स्कीड नहीं करता है. मेरी जो फ्लोरिंग है वो मोजैक, जो पुराने घरों में होती थी मोजैक वाली, वैसी है. इसीलिए मैंने कारपेट मंगाया था इस बार. सो इसलिए जो है मैंने ये 4x6 का कारपेट मंगाया है. मैं इसकी फोटो यहाँ पे डाल दूंगी बिकॉज इट इज़ लाइक इतना बड़ा खोल के दिखाना इज इम्पॉसिबल. बट इट इज़ सो कलरफुल, एज यू कैन सी इट इज़ सो नाइस, इट इज़ सो कलरफुल. और ये मुझे पड़ा था कुछ 1100 की. अभी अमेजोन की जो सेल चल रही है उसमें मैंने मंगाया था ये. एंड ये मुझे पड़ा था कुछ 1100 का, विच इज़ सो सो नाइस. एंड पिछले साल भी हालांकि मैंने एक कारपेट मंगाया था,
बट इट वॉज लाइक क्लॉथ मटेरियल, उसके नीचे कुछ भी ऐसा रबरिश मटेरियल नहीं था जिससे वो स्कीड होता था। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था कि जब मैं नीचे उसको डालूं तो वो हम जब चल रहे हो तो हम उसके ऊपर से स्किड ना हो, ऐसा कुछ मुझे चाहिए था। तो दिस इज परफेक्ट इफ यू वांट द सेम, दिस इज द परफेक्ट। इसमें बहुत सारे डिजाइन और भी थी बट आई पर्सनली लाइक दिस वन, तो इसलिए मैंने ये वाली चूज की। उसके बाद मैं यहाँ पे फोटो डाल रही हूँ मेरे वॉल पे जो मैंने लगाया है पीछे, लव लिव लिव लव लाफ वाला जो वुडन राइटिंग्स हैं जो मैंने अपने वॉल पे लगाए हैं, ये भी मैंने अमेजोन से ही लिए हैं। इसकी प्राइस मुझे याद नहीं है, आई विल यू नो आई हैव टू सर्च ऑन अमेजोन। ये भी बहुत पुराने हैं, पुराने जैसे 7-8 महीने पहले के हैं, सो आई विल सर्च ऑन अमेजोन, आई विल पुट ऑन द प्राइस हियर ऑन द स्क्रीन समवेयर एंड ऑल्सो द फोटोज ऑफ हाउ इट इज लुकिंग एट माई ऑन माई वॉल एक्चुअली। तो आपको यू नो इसका आइडिया आ जाएगा कैसे मैंने इसको लगाया है। मैंने इसको इसके साथ जो है मुझे डबल साइडेड टेप मिली थी वही मैंने इसके पीछे लगा के इसको जस्ट वॉल पे स्टिक कर दिया है एंड नथिंग एल्स, बट इट लुक्स सो एस्थेटिक। मुझे जो वुडन एस्थेटिक्स है, अगर आपको नहीं पता है अभी तक, आप देख रहे हैं पीछे वुडन लैम्प है मेरे पीछे, दो टू सीटर जो वुडन वाले लेग्स होते हैं उनके वो है, एंड पीछे मेरे वुडन वो लिव लाफ लाफ वाला वो भी वुडन टेक्सचर में है, मेरे फ्रेम्स वुडन टेक्सचर में, मुझे वो टेक्सचर जो है वुड का बेसिकली वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए मैंने वो लगाया था लिव लव लाफ। वो अभी भी है मेरे यहाँ पे, हेयर कैन पुट अ पिक्चर हेयर और वीडियो हेयर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। बहुत अच्छा लगता है, मुझे इसकी प्राइस याद नहीं है, समवेयर आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन। उसके बाद जो मैंने है ये वाला बैठक लिया है फ्रॉम अमेजोन जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये अपोलस्ट्री कुछ बोलते हैं इसको, आई डोंट नो, बट द मटेरियल हेयर ऑन द टॉप इज सो नाइस, इज अ टू सीटर थिंग, यहाँ पे दो ही लोग बैठ सकते हैं और इसके जो लेग्स है वो वुडन लेग्स हैं। अगेन मैं इसका वीडियो डाल दूंगी ताकि आपको आराम से अच्छे से दिख पाए कि मैंने यू नो व्हाट आई हैव परचेस। मुझे वुडन टेक्सचर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट इसका जो कलर है ना, ये जो ऊपर वाला कलर है ना, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं अमेजोन पे। इफ़ यू वांट कॉटन ऑल्सो, कॉटन की आपको यू नो कोई कोई लोग होते हैं जिनको अजरक प्रिंट या फिर जिनको बाटिक प्रिंट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जो एस्थेटिक लगता है अपने लिविंग रूम के डेकोर के हिसाब से, तो वो लोग वो भी ले सकते हैं। दे हैव सो मेनी ऑप्शंस इन दिस एंड इट इज रियली रियली इजी टू इंस्टॉल। इसके जो चार पाई आते हैं वो अलग आते हैं एंड दिस द अपर सेक्शन कम्स डिफरेंट। आपको सिर्फ जो है उसके लेग्स को स्क्रू की तरफ घुमा के इसको इंस्टॉल करना है एंड इट इज रेडी टू गो। यू डोंट नीड एनी कारपेंटर और कुछ भी, ड्रिल नहीं लगता है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, जस्ट यू हैव टू ओपन द लेग्स एंड यू हैव टू स्क्रू इट इनसाइड द थिंग दैट इज गिवन ओवर हियर नीचे एंड इट इज रेडी टू सिट। बहुत अच्छा है, बहुत एस्थेटिक लगता है एंड यू नो एक अच्छा सा कोजी कॉर्नर अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं आपके घर पे तो बहुत ज्यादा यू नो एक एनहांसमेंट ला लेता है आपके घर में। वो मुझे तो बहुत सारी कॉम्प्लीमेंट्स मिली इस पे, तो इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ और इसीलिए मैं आपके साथ शेयर भी कर रही हूँ। सो दिस आर ऑल द थिंग्स दैट आई बॉट रिसेंटली फॉर माय होम डेकोर फॉर दिस दिवाली सीजन। कैसा लगा ये वीडियो मुझे जरूर बताना इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल गाइस। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।